हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिकंसिलेशन। अभी रिकंसिलेशन ये हम लोग ने 11 स्टैंडर्ड में देखा था, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अभी रिकंसिलेशन का मतलब क्या है, कंपेयर करना। अभी ये टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है जो कॉस्ट शीट से निकलता है, हम लोग ने देखा है प्रीवियस टॉपिक में, कॉस्ट शीट से जो प्रॉफिट निकलता है उसका कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल का प्रॉफिट से, जो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। और वो अलग अलग क्यों है उसका रीजंस ये स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं। तो उसके जैसा ही इधर अपने को कुछ आइटम्स ऐड करने हैं, कुछ आइटम्स लेस करने हैं। तो सबसे पहला हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। तो फॉर्मेट में जैसे रहता है, सबसे पहला हम लोग लिखते हैं कि द बुक्स ऑफ किसके बुक्स में बनाना है, फिर स्टेटमेंट का नाम, स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो ये हेडिंग देना है, बाद में कॉलम्स बनाने हैं, पर्टिकुलर्स, फिर रुपीज, ये कॉलम्स आपको बनाने हैं। ओके, तो अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहला बॉर्डर्स बनाएंगे, अभी रुपीस कॉलम को रूलिंग करते हैं। ओके, तो ये अपना फॉर्मेट है सिंपल सा। अभी इसमें आइदर हम लोग फाइनेंशियल के प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे या कॉस्टिंग के प्रॉफिट के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हेडिंग्स क्लोज करते हैं और फिर सबसे पहला हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एज पर कॉस्टिंग या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉस्टिंग से ही स्टार्ट करना है। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ये आउटर कॉलम में डबल एक्स लिखेंगे। और उसके बाद कुछ आइटम्स अपने को ऐड करना है, तो ये कुछ आइटम्स हम लोग ऐड कर रहे ये कुछ आइटम्स ऐड कर रहे हैं हम लोग। अभी ये ऐड की टोटल इधर आएगी, फिर ये जो प्रॉफिट है इसमें ऐड की टोटल ऐड करेंगे और फिर लेस में भी सेम करना है आपको। कुछ आइटम्स आपके लेस होंगे, तो ये कुछ आइटम्स हम लोग लेस कर रहे हैं। तो ये कुछ आइटम्स हम लोग लेस कर रहे हैं, ये लेस की टोटल करेंगे। तो ये लेस की टोटल है और लेस की टोटल माइनस करेंगे,
लेस की टोटल माइनस करके अपने को उल्टा मिलेगा। अगर ऊपर फाइनेंशियल से स्टार्ट किया है तो नीचे कॉस्टिंग मिलेगा, ऊपर कॉस्टिंग से स्टार्ट किया है तो नीचे फाइनेंशियल मिलेगा, वाइस वर्सा। तो ये लेस की टोटल हम लोग लेस करेंगे और ये आपका फाइनल आंसर है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो ये ऐड की टोटल ऐड की लेस की टोटल ऐड की, बाद में लेस ऐड के टोटल को ऐड करके लेस के टोटल को माइनस किया। तो ये अपना फॉर्मेट है जो सेम हम लोग ने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में देखा था। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो सब मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहला अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको डबल पेज लेना पड़ता है। फर्स्ट पेज आपके वर्किंग के लिए होता है और दूसरा पेज आपके मेन आंसर के लिए होता है। तो प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है, वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अभी ये जो प्रॉब्लम है, द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2014 वॉज 56,600 एज पर फाइनेंशियल बुक्स। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अनुसार इसका प्रॉफिट 56,600 है और कॉस्टिंग का प्रॉफिट 59,650 है। तो हम लोग ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हम लोग कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट 59,650 से स्टार्ट करेंगे और अपना आंसर भी अपने को पता है, अपना आंसर आएगा ऊपर का फाइनेंशियल प्रॉफिट 56,600, ये अपना आंसर आएगा। अभी हम लोग जब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं तो उसका वर्किंग अपने को करना पड़ता है। तो वर्किंग के लिए सबसे पहला कॉलम्स जो बनाते हैं, सबसे पहला आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम आता है। पर्टिकुलर्स के बाद तीन कॉलम अपने को अमाउंट को करने हैं। दूसरा कॉलम आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी आप कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं वो दूसरा कॉलम हो जाता है, और फाइनेंशियल को आप एंड कर रहे हैं तो फाइनेंशियल का आपका तीसरा कॉलम है, और फिर डिफरेंस ये आपका लास्ट कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह अपने को वर्किंग करना पड़ता है। अगर फाइनेंशियल से स्टार्ट किया होता तो आपका सेकंड कॉलम फाइनेंशियल होता था, थर्ड कॉलम आपका कॉस्टिंग होता था। अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक आइटम इधर लिखेंगे। सबसे पहला देखो, गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ हम लोग लिखेंगे फाइनेंशियल के कॉलम में। अभी ये फाइनेंशियल के कॉलम में अमाउंट आएगी, फाइनेंशियल के कॉलम में अमाउंट है 1,500। अभी ये डिफरेंस जो है इधर ज़ीरो है और इधर 1,500 है, तो ये आंसर आपका माइनस में आ रहा है, -1,500। अगर ये माइनस में आ गई तो आपको माइनस करना है, अगर ये अमाउंट प्लस में आ गई तो आपको प्लस करना है। तो एक्सपेंसेस के लिए रूल सेम ही है, एक्सपेंस अगर माइनस आ रहा है तो माइनस करना है, और इनकम अगर माइनस आ रहा है तो प्लस करना है। एक्सपेंस प्लस में आ गया तो प्लस करना है, एक्सपेंस माइनस में आ गया तो माइनस करना है, यही इसका रूल है। तो अभी गुडविल रिटर्न ऑफ है आपका, गुडविल रिटर्न ऑफ का आंसर डिफरेंस आपका माइनस में आ रहा है तो ये आपको माइनस करना है। ओके, हम लोग उसको थोड़ा सा फॉर्मेट बना के लेते हैं, अच्छा होगा। तो सबसे पहला गुडविल रिटर्न ऑफ है, उसके बाद अगला जो है ट्रांसफ़र फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अभी ये ट्रांसफ़र फीस रिसीव्ड ये अपना इनकम है, ट्रांसफ़र फीस रिसीव्ड ये ट्रांसफ़र फीस होता है शेयर का ट्रांसफ़र फीस, और ये आपका फाइनेंशियल में आता है,
तो 2,200 रुपया। तो अभी इसका आंसर माइनस में आ रहा है, लेकिन ये इनकम है करके हम लोग ऐड करेंगे, तो माइनस में भी आ रहा है लेकिन ये अपना इनकम है, तो ये 200 रुपया आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको जो भी ट्रांजैक्शन है उसका आइटम जिस कॉलम में आ रहा है वो अपने को लिखने का है, बाद में उसका डिफरेंस निकालने का है। तो एक्सपेंसेस में जो भी डिफरेंस आपको दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है, तो वही आपको करना है। अगर वो प्लस में दिख रहा है तो प्लस करना है, अगर आपको माइनस दिख रहा है तो माइनस करना है, लेकिन इनकम अगर आएगा तो उल्टा करना है, यही बेसिक रूल है। ओके, अभी डिप्रिसिएशन चार्ज आपको कॉस्टिंग और फाइनेंशियल दोनों का बोला है, तो अभी हम लोग दोनों का लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज। तो डिप्रिसिएशन चार्ज सबसे पहला आपका कॉस्टिंग में 1,000 है और फाइनेंशियल में 750 है, तो आपका प्लस में आंसर आ रहा है प्लस 250, तो ये आपको प्लस करना है। ओके, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका फाइनेंशियल का 13,000, कॉस्टिंग का 12,000, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो है आपका फाइनेंशियल का 13,000 है और आपका कॉस्टिंग का 12,000 है। ये आपको बहुत केयरफुली लिखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉस्टिंग का अमाउंट कितना है और फाइनेंशियल का अमाउंट कितना है, ये बराबर समझ के आपको लिखना है। अभी ओपनिंग स्टॉक का जो आंसर है ये माइनस में आ रहा है, माइनस 1,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, अभी क्लोजिंग स्टॉक अपना क्रेडिट साइड में आता है, तो इसको इनकम का ट्रीटमेंट देना है। फाइनेंशियल में 14,000 और कॉस्टिंग में 15,000, तो डिफरेंस अपना प्लस में आ रहा है लेकिन इसको माइनस करना है क्योंकि इनकम का ट्रीटमेंट देना है। तो आपको ये दोनों जो आइटम्स है इनको प्लस करना है और बाकी के आइटम्स को माइनस करना है। तो ये इतना इजी होता है, सिर्फ आपको ये टेबल बनाने का है, बाकी सब काम आपका ये टेबल करता है। ओके, तो अभी हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, अभी कंपनी का नाम लिखा नहीं है, इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, और नीचे इधर लिखना है स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो ये हेडिंग है, अभी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स और 2 रुपीस के कॉलम, ये फॉर्मेट है।
सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, इसमें सबसे पहला आएगा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, अभी नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स है आपका 59,650। इसमें अपने को ऐड करना है अभी ऐड में सबसे पहला ट्रांसफर फीस रिसीव्ड आएगा, ट्रांसफर फीस रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन ट्रांसफर फीस रिसीव्ड recorded in financial records not recorded in costing records, तो ये आपको रीजन लिखना है not recorded in costing records। मतलब आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है कि ट्रांसफर फीस जो रिसीव्ड हो गया है वो आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया है लेकिन कॉस्टिंग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं किया है, और वो डिफरेंस के अमाउंट अपने को 200 रुपये इधर लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट 250 का डेप्रिसिएशन चार्ज, अभी डेप्रिसिएशन चार्ज ये दोनों में है, कॉस्टिंग में भी है और फाइनेंशियल में भी है, तो कॉस्टिंग में आपका ज़्यादा है तो अगर दोनों में रहेगा और कॉस्टिंग में ज़्यादा रहेगा तो इधर लिखना है ओवर एब्सॉर्प्शन, तो इधर आपको लिखना है ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ डेप्रिसिएशन और इसकी जो अमाउंट है 250 है और दोनों को ऐड करके 450, अब ये ऐड की टोटल 450 है, ऐड करनी है फिर ये ऐड की टोटल ऐड की, अभी लेस की टोटल अपने को माइनस करनी है, तो लेस में सबसे पहला आएगा गुडविल रिटर्न ऑफ, तो गुडविल रिटर्न ऑफ का आपको ट्रांसफर फीस के जैसा ही लिखना है गुडविल रिटर्न ऑफ रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, तो जैसा अपने ट्रांसफ़र फीस का डिस्क्रिप्शन लिखा है वैसा ही गुडविल रिटर्न ऑफ का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है और अमाउंट है 1,500। ओके, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, अभी ओपनिंग स्टॉक दोनों में है तो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्टिंग में कम है तो इधर अंडर लिखना है और एब्सॉर्प्शन के बदले में वैल्यूएशन लिखना है, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐसा आपको लिखना है, तो अगर एक्सपेंसेस रहेगा तो एब्सॉर्प्शन वर्ड यूज़ करना है, स्टॉक रहेगा तो वैल्यूएशन ये वर्ड यूज़ करना है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग में ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग में ज़्यादा है तो आपको ओवर वैल्यूएशन लिखना है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसकी अमाउंट 1000 है। अब ये तीनों की टोटल 3500 ये माइनस करेंगे 60,100 में से, 3500 माइनस करके 56,000। अब ये जो अपने को मिलेगा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो आपने क्या किया, कॉस्टिंग से स्टार्ट किया, फिर जो भी ऐड कर रहे उनकी टोटल ऐड की और फिर लेस किया, लेस करके लेस की टोटल आपने लेस की, लेस की टोटल लेस करके आपको मिला नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये प्रॉब्लम हो गया, ओके। तो और एक प्रॉब्लम मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ, तो वो भी सॉल्व करते हैं। अभी ये जो अगला प्रॉब्लम है उसमें आपको नेट लॉस दिया है। अभी नेट लॉस जो है वो आपको इसका बराबर उल्टा करना है, मतलब अगर डिफरेंस माइनस में होगा एक्सपेंसेस का तो ऐड करना है, और वो अगर इनकम रहेगा तो ऐड करना है। तो लॉस है तो बराबर उल्टा करना है। सबसे पहला हम लोग वर्किंग करते हैं, सेम फॉर्मेट बनाना है आपको। अभी इधर भी कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो अभी इधर नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स दिया है, तो अभी कॉस्टिंग का कॉलम पहला करना है, फिर फाइनेंशियल का करना है और फिर डिफरेंस लेना है। अभी इधर लॉस है तो सब रूल्स अपने को उल्टा करना पड़ेगा। सबसे पहला वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, मतलब कॉस्टिंग में कम है तो फाइनेंशियल में ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला है आपका वर्क ओवरहेड्स आपका कॉस्टिंग में कम है तो फाइनेंशियल में ज़्यादा होगा, 3120। अभी फाइनेंशियल में ज़्यादा है तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा। रूल उल्टा है आपका, एक्चुअल माइनस में है लेकिन रूल उल्टा है, इसके लिए प्लस कर रहे हैं, 3120 आपको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद वर्क ओवरहेड्स के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिया है ओवर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, मतलब कॉस्टिंग में ज्यादा है, कॉस्टिंग में 1700 है तो ये प्लस में आ रहा है, लेकिन हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि उल्टे रूल्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, अभी डेप्रिसिएशन आपको कॉस्टिंग का दिया है 12,500 और फाइनेंशियल का दिया है 11,200। तो आंसर प्लस में है लेकिन माइनस करना है, -1300। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड,
अभी इंटरेस्ट एश्योर्ड ये इनकम है तो उसका रूट सीधा होगा, क्योंकि उल्टे का उल्टा सुलटा होता है। इंटरेस्ट एश्योर्ड ये फाइनेंशियल में आएगा 8750, तो ये आपको माइनस करना है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसोर्ट के बाद ऑप्सलेंस लॉस। ऑप्सलेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी जब बदल जाती है तो उसके वजह से लॉस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑप्सलेंस लॉस। अभी ऑप्सलेंस लॉस ये फाइनेंशियल में रिकॉर्ड करते हैं 5700। आंसर माइनस में जा रहा है लेकिन इसको ऐड करेंगे, ऐड 5700। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये भी फाइनेंशियल में है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फाइनेंशियल में आता है 40300। भी ये माइनस में जा रहा है लेकिन ऐड करेंगे। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक दिया है दोनों का, ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल का 52600 और इसका 54000 है, तो दोनों का आंसर 1400 प्लस में जा रहा है लेकिन माइनस करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का सेम ही करना है क्योंकि वो क्रेडिट साइड में है और उल्टा का उल्टा सीधा होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग का है 49000 और इसका है 52000, तो 3000 अपने को माइनस करने हैं। तो 49600, तो ये 2400 माइनस में खाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, तो ये इंटरेस्ट चार्ज अभी इंटरेस्ट चार्ज आपका खर्चा है फाइनेंशियल में, कॉस्टिंग में आ रहा है, कॉस्टिंग में 6000, तो ये आंसर आपका प्लस में आ रहा है, करेंगे माइनस। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका फाइनेंशियल में आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। फाइनेंशियल में आएगा 950, तो इसको माइनस पे करेंगे लेकिन इसको ऐड करना है, प्लस 950, तो ये अपना स्टेटमेंट बना के हो गया। ये अपना आंसर करते हैं वर्किंग होने के बाद। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे, फिर उसको रुपीस के कॉलम को रूलिंग करते हैं।
फिर इनको क्लोज करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मेट है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा नेट लॉस एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। नेट लॉस एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड से आपका 172,400 अभी इसमें ऐड करेंगे। ऐड में वर्क ओवरहेड्स, ये फाइनेंशियल में ज़्यादा है तो कॉस्टिंग में कम है। इधर लिखेंगे अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड्स, अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड्स और इसकी अमाउंट है 3120। इसके बाद ऑब्सोलेंस लॉस, इसका लिखेंगे ऑब्सोलेंस लॉस रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। इसकी अमाउंट है 5700। उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का भी सेम ही लिखना है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसकी अमाउंट 40,300। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इसका भी सेम ही लिखना है। आएगा अभी ये ऐड की टोटल, हम लोग ऐड करते हैं, ऐड की टोटल लेते हैं, ऐड की टोटल 50,070। ये ऐड करेंगे लॉस में 2,22,470, इसको क्लोज करते हैं। अब ये ऐड के आइटम्स हो गए, अभी लेस के आइटम्स
नेक्स्ट में सबसे पहला हम लोग लेंगे वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो ये आएगा ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो अभी ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ये हो रहा है 1700, उसके बाद डिप्रिसिएशन कॉस्टिंग में ज़्यादा है तो इधर लिखेंगे ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ डिप्रिसिएशन। और एब्सॉर्प्शन ऑफ डिप्रिसिएशन आएगा 1300। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड का ही ऊपर के जैसा ही लिखना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, अभी ओपनिंग स्टॉक जो है आपका कॉस्टिंग में ज्यादा है तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, चौदह सौ, और क्लोजिंग स्टॉक जो है ये कॉस्टिंग में कम है तो उसको बोलेंगे अंडर एब्सॉर्प, अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज वो भी फाइनेंशियल में रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज का उल्टा है, कॉस्टिंग में रिकॉर्ड्स किया है फाइनेंशियल में नहीं रिकॉर्ड किया, तो इंटरेस्ट चार्ज का लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। ये आपको बहुत केयरफुली देखना है, अब तक हम लोग ने मोस्ट प्रोबेबली जो देखे थे फाइनेंशियल में चार्ज किए जाते थे, कॉस्टिंग में चार्ज नहीं किए जाते थे, अब ये फर्स्ट टाइम उल्टा आया है, ये कॉस्टिंग में रिकॉर्ड किया है और फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये आपको केयरफुली देखना है। तो इंटरेस्ट चार्ज रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बट नॉट इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है।
और इसकी अमाउंट है 950, तो इनकी टोटल आपको लेस करनी है, इनकी टोटल 16,500 इंटरेस्ट चार्ज के अमाउंट 6,000 टोटल आएगी 21,550 माइनस करके 2,920। ओके, अब इसको नाम जो देना है नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो लेस की टोटल को क्लोज करते हैं और फाइनल आंसर को क्लोज करते हैं। ओके, तो अभी ये प्रॉब्लम अपना हो